सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टीरियस मोटो। ओके, सो आज इस टाइम पे अरे यार इतना शोर मचा रखा और किसको दोगे। तो इस टाइम पे बज रहे हैं 12:15। कल बैठे थे इसी टाइम और अचानक से बन गया था प्लान हमारा। ओके, तो हमारा प्लान बन गया था, बन तो कहीं अमृतसर का रहा था और अमृतसर से होते होते बन गया है ये शिमला का। और अचानक से प्लान वन जान देने आज ही हम निकल पड़े हैं शिमला के लिए। इस टाइम पे बज रहे हैं 12:15, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और सारा टब्बर खानदान यहाँ इकट्ठा हो रहा, खूब शोर शराब हो रहा, जूते भी रख लूंगा, देखो मेरे को कोई बोलने नहीं दे रहा। तो बस बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं 10:30-11 बजे तक निकलना था और बज रहे हैं 12 और शायद निकलते निकलते हो जाएंगे 12:15। तो चलिए चलते हैं फटाफट, इनसे आपसे मिलते हैं गाड़ी में। चलो यस आई एम आइटम आई नो हाईवे पर रुके हैं जरा कमर सीधी करने। आज हम जाएंगे वैगन आर में। हाँ याद दिला दिया। तो आज हम जाएंगे, मतलब आज हमारी ट्रिप ये वाली है वैगन आर पर हम निकल रहे हैं। खाली वैगन आर पर नहीं, दूसरी गाड़ी सामने तैयार है क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत भीड़ भड़कता है इस गाड़ी। मैं अपना ज़रा लैपटॉप साइड सीट पर और अपने स्नीकर्स डाले सीट के नीचे। अभी हम इसको करते हैं बंद। शिमला जा रहे गाइस। अरे तू जा रही गाइस, गाड़ी एकदम रेडी है गाइस। गाइस अगली गाड़ी देखो बोरी गाइस। क्या बात करते हैं यार। तो गाइस ओके गाइस चल रहे गाइस, ओके बाय बाय गाइस, टाटा। ओ अगली गाड़ी चलेगी गाइस, हम लेट हो रहे हैं गाइस। 2 hours later तो गाइस बज रहे हैं, दोस्तों बज रहे हैं इस टाइम पे 2:45। अभी हम कहां पर हैं तेरे को क्या ही पता होगा? पता नहीं। हां भाई सेम। तो मेरे ख्याल पानीपत पार कर दिया हमने। पानीपत में ही हम बोर्ड पे लिखा हुआ पानीपत में ही है। और ये बच्चों का जो है ना सोना धोना चल रहा है, धोना नहीं है, हमने सोना इधर से उधर कर रहे हैं। अरे पीयू को, अरे गाड़ी आ गई, दे दे इसको, आ गया दे दे। अरे बच्चे कभी इधर सो जाते हैं, माँ उधर है तो उधर भेजो, बच्चे उधर सो जाते हैं माँ इधर है तो इधर भेजो, सब इधर पिधर पड़े हैं क्या? कैसे कैसे सो रहे हैं जैसे तू पीछे जा, आप क्या कहना चाहेंगे आप? ले आओ वापस ले आओ।
इस वक्त हैं हम पंचकुला में, किसी हाईवे पर रुके हैं, जरा कमर सीधी करने, थोड़े पैर सीधे करने। और बस ये घर वालों के साथ हम जब जाते हैं ना, तो जहाँ रुक जाती है गाड़ी वहाँ आधा घंटा चला जाता है। अब ये एक, क्योंकि एक बंदा उतरता है, सबके सब उतर जाते हैं, देखो गाड़ी खाली, ये बच्चे बच्चे सोए पड़े हैं। कौन सा सदमा लगा है बच्चों, नींद आ रही है, सो जाओ। इतनी गंद पा रखी है एना ने। अबे पागल हो रहे हो क्या, 4:30 बज रहे हैं सुबह, क्या चलना नहीं है? ये आई एक आइटम, यस गाइस, चली जाए यहाँ से, मजा आया। अरे बस बाबू को रहे हो गई है यहाँ पर फोटोग्राफी, मतलब अभी ये सेल्फी सुल्फी ले रहे हैं, बस निकल रहे हैं, बहुत देर हो गई यहाँ पे करते करते। अबे चलो भाई चलो, निकलो जल्दी फटाफट। सपने मैं खो गया रे, मन बेरा ना के हो गया रे, लोकेशन तेरी बढ़ती ओए अब तो गाइस सनराइज हो चुका है पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नहीं, मतलब अच्छा खासा उजाला हो चुका है। और ये जो नजारा देखा पहला हिमाचल की घाटियों का देखा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ के हाईवे रोड बने हुए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब शिमला तो पहुंच गए थे हम 7:30 बजे, इस टाइम पे बज रहे 8:45। होटल वगैरह ढूंढने में लगभग 1 घंटा लगा, 8:30 बजे होटल जो है हमने पसंद कर लिया फाइनली। माल रोड से 2-3 मिनट की दूरी पर ही है, और सारे घर वाले इस टाइम में पार्किंग में, क्योंकि हमारा गाड़ी में रह गया था, सब कमरों में है, 4 कमरे लिए हैं, सारी फैमिली इस टाइम पे रूम्स में है, सारा लगेज हमारा रूम में जा चुका है, और पार्किंग में हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। कैमरा लेने में आया था और पैसे लेने भी आया था, फिर याद आए पैसे तो बहन के पास हैं, फिर लगे हाथ, मैंने कहा कैमरा उठाए और अपनी व्लॉगिंग करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना रूम क्या रह गया। तो बड़ी देर से अब बैठ के स्टेटस देख रहा था मैं, अभी जो भी सारे घर वालों ने अपलोड की हैं इंस्टा वगैरह, फिर व्हाट्सएप वगैरह पर, और अपने भी देख रहा था, लगे हाथ एक रिव्यू दे रहा था। और अब कमाल की बात यह है कि हम पहली बार, मैं पहली बार शिमला आया हूँ, मेरा भाई पहले भी आया है, तो बस अब चल रहे हैं हम रूम में, चलते हैं आपको दिखाते रूम। ये नीचे की तरफ हमारे होटल की तरफ रास्ता जा रहा है, नहीं तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 रूम्स हैं अपने। कैसे शोर मचा रहे हो? हेलो करो, हाँ बार खाना खा के जाना। हाँ वो बैग नहीं, T2 का है। तो भाइयों रूम्स सारे अलॉट हो गए हैं, साफ हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं अपने रूम में। एक रूम ऊपर बड़ा जबरदस्त था, उसमें व्यूज, उसका जो व्यू है बहुत जबरदस्त है, विंडो हो गया। ये रूम है, अब यही करेंगे हम अपना डेटा ट्रांसफर। और ये निकला कैमरा बैग से, यार सॉरी सॉरी सॉरी,
बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली अभी बज गए रात के 9:30 और कैमरा मैंने अब निकाला बैग से। नहा धो के हम खाना वाना खा के यहीं होटल के बाहर ही हम ऐसी फोटो वोटो खींचने लग गए थे, गैलरी पकड़ के कार पार्किंग की, और वो फोटो वोटो खींचते खिंचाते फिर अचानक से निकल पड़े माल रोड के लिए। माल रोड इतना पास भी नहीं था, दूर था, काफ़ी चल के जाना पड़ा, और दूर से ज़्यादा बड़ी बात थी स्टीप, एकदम ट्रैक था, स्टीप ट्रैक था, काफ़ी चढ़ के जाना पड़ा। और जब हम वहाँ पहुँचे तब जाके याद आया कि कैमरा लाना भूल गया। कैमरा लाना भूल गया, सब इतनी आगे चले गए, फिर इधर उधर फोटो खिंचा के खाने वाना खाने बैठ गए। हाँ मैं हूँ, तो बस खाना वाना खाने बैठ गए। उसके बाद दोबारा वापस आने की हिम्मत नहीं हुई, बस चलते 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 इतना थक गए। और सारा माल रोड काफ़ी इंजॉय हमने करा, लेकिन सब कर दिया मिस, वेरी वेरी बैड, सो सैड। अब आ गए हैं हम इधर, पहुंच गया खाना ऊपर। कौन दाल फ्राई, शाही पनीर, रोटी, चावल, खाना वाना आ गया। और भारी मिस्टेक हुई आज, क्या करें, फिलहाल थक गए बहुत ज्यादा, खाना वाना खाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गलती हो गई गाइस, बल्कि इसको खोल, क्या करें, रुक जाओ, हट जाओ होटल से, हट जाओ कमरे से, व्यू दिखाते हैं। कौन है, कैन यू सी दिस, और जरा खाना वाना खाएंगे फिर मिलते हैं उसके बाद। एक्चुअली थक गए बहुत ज़्यादा, खाना वाना खा के सोएंगे, सुबह मिलते हैं आपसे, ओके।